थर्ड आज हम पढ़ेंगे SST का चैप्टर 10 इंडियन फूड एंड क्लॉथ्स। सबसे पहले पढ़ें हम इंडियन फूड। और इंडिया में कई तरह के फूड खाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका फूड इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में खाना खाया जाता है। नॉर्थ इंडियंस प्रेफर इंडियन ब्रेड्स एंड ओवर राइस। नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो जो रोटियां होती हैं, इंडियन रोटी जो होती है उसके ऊपर चावल खाते हैं। ब्रेड्स इंक्लूड, ब्रेड्स यानी कि रोटी में आपके होते हैं पुलकास, तंदूरी रोटी, नान्स एंड पराठे और कुलचा। राइस इज आल्सो पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ वाइट राइस, बिरयानी एंड पुलाव। और जो चावल होते हैं उसकी भी कई पॉपुलर फॉर्म होती हैं, जैसे कि सफ़ेद चावल खाते हैं, बिरयानी बनती है और पुलाव बनते हैं। ये स्पाइसी यानी कि जो मिर्च मसाले वाले होते हैं, स्पाइसी जो होते हैं उसमें आपके होते हैं मटर पनीर, दाल, बटर चिकन, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पटेटोज आर फॉन्डली ईटिन। ये बहुत प्यार से लोग खाते हैं, मतलब लोगों की ये फेवरेट डिश में आते हैं, बहुत प्यार से वो इन्हें खाते हैं। मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड गुआवास आर द पॉपुलर फ्रूट्स विच आर ईटन इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि मैंगोज, एप्पल, ग्रेप्स, आम, सेब, अंगूर, संतरे और अमरूद जो होते हैं ये पॉपुलर फ्रूट होते हैं नॉर्थ इंडिया के, जो लोग खाते हैं। पीपल आर आल्सो फॉन्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। और यहाँ के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध के जो बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनके भी दीवाने होते हैं, जैसे कि योगर्ट, दही, चीज़, पनीर, क्रीम एक्सेट्रा। तो नॉर्थ इंडियन के ये होते हैं खाने। फिर है नेक्स्ट आपका फूड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन फूड इज़ मेनली वेजिटेरियन। जो साउथ इंडिया का फूड होता है वो वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी होता है मुख्य तौर पर। येट यद्यपि हैज़ अ रेंज ऑफ सी फूड इन इट्स कोस्टल एरिया। जो तटीय एरिया होते हैं यानी समुद्र के तट के किनारे जो एरिया है वहाँ पर जो सी फूड यानी कि समुद्र के जो खाना होता है वो खाया जाता है। हैदराबाद फूड इज़ फुल ऑफ नट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। जो हैदराबाद का खाना होता है उसमें वो फुल होता है, जिसमें आपके नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और स्पाइसेस यानी कि मसाले, मिर्च मसाले ये सब होते हैं। साउथ इंडियन मील्स आर सेंटर्ड अराउंड राइस बेस्ड डिशेस। जो साउथ इंडियन मील्स होते हैं यानी कि साउथ दक्षिण एरिया के जो खाना होता है वो आपके चावल के बेस पर बने हुए होते हैं, जैसे कि बॉइल्ड राइस और इडली, जैसे जो उबले हुए चावल होते हैं या फिर इडली जो होती हैं, डोसा, ये भी चावल से बनाए जाते हैं। उत्तपम है, दाल विद कोकोनट चटनी, जो नारियल की चटनी होती है उसके साथ, ये मोस्ट मील्स होते हैं साउथ इंडिया के, ठीक है। फिर है फूड इन ईस्ट इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया में किस तरह का खाना खाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया ग्रोज अ लॉट ऑफ राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ईस्टर्न इंडिया जो है उसमें बहुत सारे चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां और फ्रूट्स उगते हैं। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ ईस्ट इंडियन। राइस यानी कि चावल जो है वो प्रधान फूड होता है, यानी कि मुख्य खाना होता है ईस्ट इंडियंस का। पीपल हैव अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स एंड डेजर्ट्स। जो पीपल होते हैं यानी वहाँ के जो लोग होते हैं वो मीठा और जो डेजर्ट्स होते हैं, जो मीठे के जो बनाए जाते हैं वो खाना पसंद करते हैं। इन कोसल रीजन यानी कि तटीय जो मैदान होते हैं समुद्र के किनारे के, फिश इज़ दी नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफ चॉइस। और वहाँ के लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मछली खाना पसंद करते हैं। ओवरऑल पूरे में पॉपुलर डिशेज आर, सब में आपकी पॉपुलर डिशेज यानी कि प्रसिद्ध डिशेज जो हैं वो हैं मोमोज, थुपका यानी कि सूप, टमाटो का अचार जो होता है, झालमूड़ी। स्वीट लाइक संदेश और रसगुल्ला आर वेरी पॉपुलर। और वहाँ पर जैसे कि जो संदेश है और रसगुल्ला है वो बहुत फेमस स्वीट्स होते हैं। फिर है फूड इन वेस्ट इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न इंडिया आर वेजिटेरियन।
जो वेस्टर्न इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ के वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी होते हैं। पीपल इन कोस्टल रीजन्स लाइक गोवा ईट फ्रेश फिश एंड सी फूड। और जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यानी कि तटीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि गोवा है, वहाँ पर क्या है कि मछली खाई जाती है और जो सी फूड होता है, समुद्र का जो खाना होता है, वो खाया जाता है। गुजराती फूड इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट टच बट इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। जो गुजराती खाना होता है उसमें मीठे का टच होता है, यानी गुजराती खाने जितने बनते हैं उसमें मीठा ज़रूर होता है थोड़ा थोड़ा, बट लेकिन ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है कि शाकाहारी होता है गुजराती खाना पूरी तरह से। इसमें आपके होते हैं कॉर्न, लेंटिल्स, ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, ड्राई रेड चिलीज, जो सूखी लाल मिर्च होती हैं, बटर मिल्क होता है, योगर्ट यानी कि दही है, शुगर, नट्स मेक अ स्टेपल फूड फॉर गुजरातीज। ये गुजरातीज का मुख्य खाना होता है। इन महाराष्ट्र में फिश, राइस, कोकोनट एंड पीनट्स आर फॉन्डली ईटेन। वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मछली, चावल, कोकोनट यानी कि नारियल और पीनट्स यानी कि मूँगफलियाँ, ये सब बहुत चाव से यानी कि बहुत अच्छे से खाए जाते हैं, प्यार के साथ उनकी प्रिय खाने होते हैं यानी ये। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन क्लॉथ्स यानी कि भारतीय कपड़े। इन इंडिया क्लॉथ्स फॉर मैन एंड वुमेन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। यानि कि भारत में जो मैन और वुमेन यानि कि आदमी और औरतों के जो कपड़े होते हैं वो ज्योग्राफी यानि कि भूगोल, क्लाइमेट, जलवायु एंड कल्चर यानी कि संस्कृति के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड कल्चर यानि कि जो जलवायु है, भूगोल है, संस्कृति है, उसके आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं। लेट्स हैव अ लुक हाउ क्लॉथ्स फ्रॉम मैन एंड वुमेन डिफर इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो मैन और वुमेन के कपड़े हैं वो किस तरह से अलग अलग हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स फॉर वुमेन, यानी कि जो वुमेन के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं वो। ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथ्स फॉर वुमेन आर क्लोज्ड एसोसिएटेड विद द लोकल कल्चर एंड क्लाइमेट। जो ट्रेडिशनल क्लॉथ होते हैं यानी कि ट्रेडिशनल कपड़े जो होते हैं औरतों के, वो उनके लोकल कल्चर यानी कि लोकल संस्कृति और क्लाइमेट यानी जलवायु के आधार पर होते हैं। सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल क्लॉथ्स आर, कुछ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। फर्स्ट है आपका साड़ी। साड़ी इज़ द मोस्ट ग्रेसफुल एंड पॉपुलर गारमेंट फॉर वुमेन इन इंडिया। साड़ी आपकी बहुत ग्रेसफुल होती है और बहुत पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध होती है वुमेन के लिए इंडिया में। इंडिया में ज़्यादातर लेडीज साड़ी पहनती हैं। इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ रेंजिंग फ्रॉम 4 to 9 meters इन लेंथ। ये एक पट्टी होती है जिसकी लंबाई 4 to 9 meters की होती है। इट इज़ ट्रैप्ड ओवर द बॉडी विद अ पेटीकोट एंड ब्लाउज। ये क्या है, ये ड्रैप की जाती है, पहनी जाती है पेटीकोट के ऊपर और इसके साथ हम ब्लाउज भी पहनते हैं। नेक्स्ट है आपकी घाघरा चोली। घाघरा चोली और लहंगा चोली इज ट्रेडिशनल क्लॉथिंग ऑफ वुमेन इन राजस्थान एंड गुजरात। जो घाघरा चोली और लहंगा चोली होती है वो ट्रेडिशनल क्लॉथ होते हैं राजस्थान और गुजरात की औरतों के। पंजाबीज आल्सो वियर दिस ड्रेस इन सम फॉक डांसेस। यानी कि जो पंजाबी होते हैं वो कुछ लोग जो डांस होते हैं उनमें इन ड्रेसेस को पहनते हैं। एन ओढ़नी इज़ आल्सो यूज्ड विद घाघरा चोली। और जो ओढ़नी होती है वो घाघरा चोली के साथ पहनी जाती है। नेक्स्ट है आपका सलवार कमीज। सलवार कमीज इज़ द ट्रेडिशनल वियर ऑफ वुमेन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। जो सलवार कमीज है वो ट्रेडिशनल वियर है यानी कि ट्रेडिशनल क्लॉथ है, ट्रेडिशनल कपड़े हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की औरतों के। इट कंसिस्ट ऑफ लूज ट्राउजर्स सलवार टॉप्ड बाय ट्यूनिक कमीज।
ये क्या है, इसमें एक लूज ट्राउज़र होता है यानी सलवार होती है और इसके ऊपर पहनी जाती है ट्यूनिक जिसे बोलते हैं कमीज, जैसे कुर्ती होती है वो। वुमेन ऑफ्टन वियर अ दुपट्टा और ओढ़नी टू कवर देयर हेड। औरतें ज़्यादातर प्राय दुपट्टा और जो ओढ़नी होती है अपने हेड को कवर करने, अपने सिर को कवर करने के लिए ओढ़ती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पट्टू पवाड़ा रेशमी लहंगा। पट्टू पवाड़ा इज ट्रेडिशनल ड्रेस इन साउथ इंडिया एंड राजस्थान। जो पट्टू पवाड़ा होता है वो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण इंडिया में और राजस्थान में ये ड्रेसेस पहनी जाती हैं। इट इज़ यूजली वॉर्न बाय टीनेज एंड सम स्मॉल गर्ल्स। ये क्या है, जो टीनेज होती है यानी कि 18 जो टीनेज में आती हैं लड़कियाँ, 18-19 तक जो लड़कियाँ आती हैं वो लड़कियाँ और जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो इस ड्रेस को पहनती हैं। इट नॉर्मली हैज़ गोल्डन बॉर्डर एट दी बॉटम। इसके नीचे यानी कि सबसे नीचे जो ये घाघरा सा होता है ना, इसके नीचे गोल्डन बॉर्डर यानी कि सुनहरे रंग का एक बॉर्डर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल क्लॉथ्स फॉर मैन यानी कि जो आदमियों के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स फॉर मैन इंक्लूड मैनी गारमेंट्स फ्रॉम अ धोती टू पगड़ी। जो ट्रेडिशनल क्लॉथ होते हैं मैन के यानी कि जो आदमियों के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उनमें धोती से लेकर पगड़ी तक कई सारे गारमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे धोती के बारे में। अ धोती इज़ अ वाइट और लाइट कलर्ड स्ट्रिप ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। धोती क्या होती है कि सफ़ेद और लाइट कलर जो हल्के कलर होते हैं उस कलर की एक स्ट्रिप होती है कॉटन कपड़े की। इट इज़ मेनली वॉर्न बाय मैन इन विलेजेस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो गांव होते हैं वहाँ पर वहाँ के जो आदमी होते हैं वो इन्हें पहनते हैं, ज़्यादातर वही उन्हें पहनते हैं। फिर है लुंगी और पंच। ए लुंगी इज़ अ टाइप ऑफ धोती। लुंगी क्या है, धोती का एक प्रकार होता है विच में भी ओपन और स्टेज, वो खुला भी हो सकता है और सिला हुआ भी। इट इज़ पॉपुलर इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इट इज़ बॉर्न विद शर्ट एंड टक्ड ओवर दी वेस्ट। ये क्या है, शर्ट के साथ पहना जाता है और कमर के ऊपर इसे पहनते हैं जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है। फिर होती है नेक्स्ट शेरवानी, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखिए। आर शेरवानी इज़ अ लॉन्ग कोट। शेरवानी क्या होती है, एक लंबा कोट की तरह होती है। इट्स लेंथ इज़ यूजली जस्ट बिलो दी नीज। इसकी जो लंबाई होती है वो जो घोंटू होते हैं नीज होते हैं उसके नीचे तक होती है। इट इज़ वॉर्न विद चूड़ीदार और टाइट फिटिंग पैंट। इसे हम चूड़ीदार के साथ और जो टाइट फिटिंग पैंट होते हैं ना, जो टाइट एकदम पैंट होते हैं उनके साथ पहनते हैं। शेरवानी इज़ यूजली वॉर्न ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज बाय द ग्रूम। शेरवानी क्या है, ज़्यादातर जो शादियों में ग्रूम होते हैं, दूल्हे होते हैं, उनके ज़रिए पहनी जाती हैं।